अस्सलाम वालेकुम आज़ीज़ नाज़रीन, तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। गोवा में एलाइट फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से 6 मार्च को नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 टूर्नामेंट मुनाक़िद किया गया था, जिसमें अंडर 14 की टीम ने फाइनल में जीत हासिल की और अंडर 17 और अंडर 19 की टीम ने सेमीफाइनल तक मुकाबला किया। इस जीत की खुशी को हैदराबाद में ग्रास हॉपर्स एंटरटेनमेंट बैनर पर फुटबॉल टूर्नामेंट में अच्छे परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जनाब आगा मुजफ्फर साहब की जानिब से विक्ट्री सेलिब्रेशन म्यूजिकल नाइट मुनाक़िद किया गया था। ये प्रोग्राम 6 मार्च बरोज़ हफ्ता शाम 5 बजे बमुकाम तेलंगाना सरस्वती भवन तिलक रोड अपोजिट आदित्य हॉस्पिटल बोगलकुंटा हैदराबाद में मुनाक़िद हुआ, जिसमें हैदराबाद के सिंगिंग के सेंसेशनल सिंगर्स मोहम्मद शफीक और राजस्थान के सिंगर फैसल खान और इरशाद ने बेहतरीन सिंगिंग के जरिए एक खुशनुमा माहौल बनाया और सबको अपने गीतों से मदहोश किया, जिसके बाद गोवा के फुटबॉल टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले बच्चों को मेडल्स और इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौके पर जनाब आगा मुजफ्फर साहब ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम प्लेयर्स जिसने भी हिस्सा लिया था उन्हें दिली मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को करने का मकसद यह है कि बच्चों की हौसला अफजाई हो, और आगा मुजफ्फर साहब ने तमाम मीडिया पार्टनर्स का भी शुक्रिया अदा किया और इन्हें अवार्ड से भी नवाजा। ताज़ा अहम तरीन खबरों के लिए तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज़ को यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। की तरह और जी हाँ, सीनियर पॉलिटिशियन और जनाब मोहम्मद मसूद अहमद साहब के हाथों, जी हाँ, फैसल खान महेंद्र सिंह नजर, मिस्टर अखिल राज की थोड़ा अवार्ड भी खिलाइए थोड़ा प्लीज। हैप्पी नेचर है मेरे खास मीडिया पार्टनर अब्दुल मोहम्मद साहब, चेयरमैन तेलंगाना स्टार्स के सर, शाकिर शरीफ सर, एंड भाई सीनियर रिपोर्टर अहमद, तस्वीर जो आप अपने अपने मोबाइल में भी महफूज कर रहे हैं। Thank you.
बहुत खुशी हुई, बहुत मसरत हुई। तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे प्लेयर्स हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, इलाइट फेडरेशन ऑफ इलाइट फेडरेशन ऑफ गोवा की तरफ से जो नेशनल टूर्नामेंट मुनाक़िद किया गया था गोवा में 24, 25, 26 और 27 तारीख को ये अपने फेब की, तो गालिबन हम यहाँ से अलग अलग टीम के अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करते हुए और उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको टीम फॉर्म करके हम लोग गोवा ले गए थे। वहाँ पे हम लोगों का सामना गुजरात की टीम से हुआ, राजस्थान की टीम हुआ, वहाँ की लोकल टीम गोवा से हुआ, तमिलनाडु से हुआ है, केरला से भी हुआ है। गालिबन इन सब को कैटेगरीज़ के हिसाब से पार करते हैं। लीग बेसिस पे टूर्नामेंट था वो, वहाँ पे हम लोग पाते हुए अंडर 14 की टीम फाइनलिस्ट रही है वहाँ की होम हराते हुए, और अंडर 17 और अंडर 19 की टीम सेमीफाइनल में आई थी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग का एक अपना एक काम करने का तरीका है, हमारी एक तंजीम है स्पोर्ट्स टूरिज्म इंडिया, तो इनका मकसद नेम इटसेल्फ डिफाइंस स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म इटसेल्फ, तो हम लोग पर्टिकुलर ऐसी प्लेसेस को चूज़ करते हैं टूर्नामेंट्स के लिए जहाँ स्पोर्ट्स भी हो जाए और टूरिस्ट की जगह भी हो जाए, तो हमारा जो तो हमारा मंसूबा था वो पूरा कामयाब हुआ। गालिबन बच्चे एंजॉय किए, जैसे कि आपने क्लिप्स में देखा होगा, एंजॉयमेंट भी हुआ, बहुत अच्छा टूर भी रहा, पूरे सिक्योरिटी मेजर्स के साथ। ये पैंडमिक में जो जो नेसेसरी प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए थे काफ़ी लिए थे। गालिबन थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स हु ट्रस्टेड इन अस, थैंक्स टू कोचेस हु हैव बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस टीम एंड द यूनिट, कंप्लीट यूनिट, कंप्लीट क्रू, पूरे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके कोचेस, सभी का हम लोग वी आर बॉटम ऑफ हार्ट वेरी थैंकफुल टू देम। एंड ये सक्सेसफुल इवेंट सक्सेस को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए विक्ट्री सेलिब्रेशंस किए हैं, और ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ बच्चों को इंकरेज करना है और कुछ नहीं है। उनके पेरेंट्स को पता चल जाए कि बच्चे क्या किए, इसी वजह से उनको हम लोग ने उनके थोड़े बहुत क्लिप्स जो जो भी हम लोग कैप्चर किए थे बतौर मेमोरीज उसको हम पोर्ट्रेट किए हैं, और आप लोग के ज़रिए ये मज़ीद और भी आगे जाएगा। तो इस हिसाब से जो बच्चों का जो माइंड सेट है वो स्पोर्ट्स की तरफ रागिब होगा। द ओनली इंटेंशन फॉर दिस प्रोग्राम इज़ टू एंकरेज द न्यू जनरेशन इनटू द स्पोर्ट्स, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मीडिया स्पेशली, आप हम लोगों के मतलब हम लोग एफर्ट अगर 50% है तो 50% आप लोग का आता है, आप लोग ये हमारी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ तक हम बात कर नहीं सकते, तो थैंक यू सो मच मीडिया। एंड जो सिंगर्स आज परफॉर्म किए हैं उनके पेरेंट्स को बच्चों को दिल लुभाने के लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दे हैव बीन वेरी नाइस। होप आप लोग ये प्रोग्राम को लाइक किए हैं, पसंद आया हो तो इंशाल्लाह वी विल कीप रिपीटिंग। थैंक यू सो मच। इधर इधर आगा मुजफ्फरुद्दीन, जावा साल आगा मुजफ्फरुद्दीन, जो नई नस्ल बिलखसूस नौखस नस्ल का एक अच्छा शानदार ताबनक रोशन मुस्तकबिल आगा मुजफ्फरुद्दीन का नजूलन है। इस पेश नज़र अभी हाल में हमारे पड़ोसी रियासत गोवा में
फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। 14 से 17 साल की उम्र के नौजवानों ने यकीनन हाँ फुटबॉल टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करके हैदराबाद शहर गोवा में हैदराबाद शहर के वक़ार और मर्तबे को और भी बुलंद किया। और हम चाहते हैं कि ख़ासकर जो गुरबत के माहौल में परवरिश पाते हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ आज जो है दिन ब दिन उनका जो रागिब होते जा रहे हैं, उनके सरपरस्त उनके माँ बाप भी उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं रियासती हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि हमारे जो गरीबी के माहौल में परवरिश पाते हैं ऐसे नौजवानों को उनकी रहबरी फरमाएँ। अभी हाल ही में हम ये बात हमारे लिए खासकर हैदराबादियों के लिए बात से तमान्यत और बात से सदफ्तार है कि एक बिल्कुल गरीबी के माहौल में परवरिश पाने वाला मोहम्मद सिराज, हम जानते हैं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन के बाद उसका इंडियन क्रिकेट टीम में उसका शामिल होना ये हमारे लिए बायस तमान्यत हैदराबादियों के लिए। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल में भी जो हमारे नई नस्ल जो अच्छा मुजाहरा करके अपने शहर को वापस हुए हैं, मैं उन तमाम नौजवानों को और उनके कोच को और ख़ासकर आगा मुजफ्फरुद्दीन साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारक के आइंदा भी जब कभी कोई टूर्नामेंट होते हैं तो आप नई नस्ल को आप भिजाइए, क्योंकि आप भी एक स्पोर्ट्स मैन हैं आगा मुजफ्फरुद्दीन साहब। क्योंकि हम आपको ज़्यादा नहीं बोल सकते माशाल्लाह, हम यही बोल सकते हैं आगा मुजफ्फरुद्दीन साहब की सेहतयाबी कामयाबी और सलामती के लिए अल्लाह ताला से दुआ गुआएं। बहरहाल मुकर्रर के अला मुकर्रर मैं 14 से 17 साल की उम्र के जो नौजवान आज हैदराबाद अपनी सलाहियत और काबिलियत का लोहा मनाते हुए हैदराबाद का नाम रोशन किया, फिर उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ टूर्नामेंट ये हमारे जो मीडिया के भाई बहने हैं वो भी इस बहाने आज अवार्ड हासिल कर रहे हैं, उनकी खिदमत को आगा मुजफ्फरुद्दीन साहब नियाज़ खंदा पेशाने से तस्लीम करते हुए उनकी हौसला अफजाई के लिए हिम्मत अफजाई के लिए आज हमारे भाइयों को और बहनों को मीडिया के उनको भी जो है अवार्ड पेश कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बाय से मसरत है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।